आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश आजादी का महापर्व अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जबलपुर में संकल्प यात्रा निकाली गई। संकल्प यात्रा में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार भी शामिल हुए। संकल्प यात्रा के साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता साइकिल पर सवार होकर शहर की गलियों में निकले। हालांकि संकल्प यात्रा के दौरान ना तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता नजर आया और न ही कोई कार्यकर्ता मास्क पहने दिखाई दिया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी कड़ी में युवा मोर्चा द्वारा संकल्प यात्रा निकाली गई। संकल्प यात्रा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार भी शामिल हुए। संकल्प यात्रा के माध्यम से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता साइकिल पर शहर की गलियों और सड़कों पर निकले। इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य लोगों तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाना और युवाओं तक आजादी के मायने पहुंचाना था। पूरा देश भर में हम लोग ऐसी युवा संकल्प यात्राएं निकाल रहे हैं जिनका मूल उद्देश्य युवाओं को आजादी के मूल्य से जोड़ना है, युवाओं को स्वच्छता का संकल्प दिलाना है, युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इन मूल उद्देश्यों को लेकर भारत की विकास गाथा से युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विकास के नए आयामों को युवा जान सके, नए भारत के निर्माण के संकल्प को लेकर हम लोग पूरे देश भर में युवा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी इसी तारतम्य में ये यात्रा की जा रही है। हालांकि इस संकल्प यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होते नजर नहीं आया और न ही कोई मास्क पहना दिखाई दिया। इस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से जब सवाल किया गया तब उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की याद आई।